फिर तुम चिल्लाते रहोगे डॉक्टर कहाँ है, नर्सेज कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, मोदी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा खास है, खास ही नहीं बल्कि जिंदगी का सवाल है। तो वो है फ्रेंड्स डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन, क्वारंटीन। क्वारंटीन ये तो सुना हुआ लफ्ज है। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ, मेरी बात सुनिए। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम वीडियो क्यों बनाते हो, कैसे इतनी सारी वीडियोस बनाते हो। कुछ लोग ये मैसेज करते हैं कि यार क्या करें, बोर हो रहे हैं घर में बैठे बैठे, मतलब कुछ करने को है नहीं, मर गए अब घर में बैठ बैठ के। रियली तुम लोग बोर हो रहे हो? जिंदगी पर तरसते रहे कि ऑफ मिल जाए, ऑफ मिल जाए, ऑफ मिल जाए। अब जब खुद गवर्नमेंट बोल रही है कि घरों में रहो, घरों में रहो, गवर्नमेंट नहीं पूरी दुनिया बोल रही है तुम्हें कि तुम घरों में रहो, घरों में रहो, आप बोर हो रहे हो। मैं खुद एक हॉस्पिटल में काम करता था, बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, पर जब हमें ऑफ मिलता था, हमारा ऑफ सबसे बदतरीन ऑफ होता है, मिड वीक में ऑफ मिलता था, जब तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ ना हो क्योंकि वो अपने काम में बिजी होते थे। मिड वीक में तो कभी ऑफ नहीं होता ना, मेजॉरिटी का तो संडे सैटरडे ऑफ होता है। पहले जब छुट्टी होती थी तो तुम क्या करते थे, वो सब करो यार। बहुत सी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। इस वक्त जो तुम कर रहे हो ना, वो तुम अपने लिए नहीं कर रहे बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर रहे हो, और वो है क्वारंटाइन। देखा जाए तो फिर तो तुम कुछ भी, बहुत कुछ कर सकते हो। तुम अपना घर बना सकते हो, अपने घर को साफ कर सकते हो, सोसाइटी बना सकते हो, कम्युनिटी बना सकते हो यार, अपनी स्टेट बना सकते हो, पूरी दुनिया बना सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पर उस दुनिया में, जिस दुनिया में लोग ना हो, उस दुनिया में क्या मजा। बना तो सकते हो, वो तो तब ना जब लोग होंगे, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स। दुनिया बनाने के लिए लोग चाहिए, दुनिया को सजाने के लिए लोग चाहिए, और लोग तब बनेंगे जब हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। अब आप मुझे ये बोलेंगे कि हम तो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, घर में बैठे हैं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग? ये सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, ये या ये? और यहाँ पे हमें इस वक्त 1 मीटर 2 मीटर की सोशल आइसोलेशन नहीं चाहिए। हमें इस वक्त 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 3 फीट की आइसोलेशन और डिस्टेंसिंग नहीं चाहिए। वी वॉन्ट ऑल होम्स, सब घरों में रहे। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने फ्रेंड्स को देखो, अगर तुम चाहते हो कि अपने रिश्तेदारों को फिर से देखो ना, तो तुम्हें घर में रहना ही पड़ेगा 3-4 महीने के लिए। तो बिल्कुल सोचना भी बंद करो। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम लास्ट द डे आई केम होम, तब से मैं ना अपने रिश्तेदारों से मिला हूँ, ना अपने गेट से बाहर निकला हूँ। इवन आई डिडंट अटेंड द मस्जिद ऑल्सो। एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं आपसे कह रहा हूँ, I used to get 4 patients in my hospital, और वो 4 patients manage करना इतना मुश्किल होता था कि 6 घंटे की ड्यूटी, जैसे सब बोलते थे 6 घंटे वाओ मजा है, ये तो मजे हैं, बट 6 घंटे की ड्यूटी क्या होती थी वो हमें पता है। और अब नो डाउट PPEs की बहुत ज़रूरत है, नो डाउट वो तो है ही, बट PPEs के साथ काम करना इज लाइक ए हेल। आई एम गेटिंग द मैसेज फ्रॉम माई फ्रेंड्स, फ्रॉम माई पीपल जो मेरे प्रोफेशन में हैं, नर्सिंग प्रोफेशन में, कि किस तरह PPE के पहनने के बाद जो इतना इंसान वो हो जाता है, हेवी हो जाता है। पहले तो यहाँ बहुत जगह है ही नहीं, वो भी शर्म की बात है, और अगर अभी है भी, बट स्टिल उसके पहनने के बाद जो इंसान को मतलब परेशानी होती है, इतना हेवी PPE पहन के, इतनी सारी प्रोटेक्शन कवर पहन के, उसके बाद जो काम करना है, मैनेज करना है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब मैं कह रहा हूँ कि वो मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। सो इतना भारी भरकम सूट पहन के, PPE पहन के, मे बी स्टाफ आपके पास नहीं आ पाएगा, मे बी आपको डिले हो जाएगा, आपके पास अटेंड करते करते मे बी आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा, फिर तुम चिल्लाते रहोगे डॉक्टर कहाँ है, नर्सेज कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, मोदी। वो यही है कि घर में रहो। आपका घर में रहना अभी के मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, अभी के मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि सारे, आई हैव हर्ड myself, बहुत सारे डॉक्टर्स ने एब्सकॉन्ड किया हॉस्पिटल, आई हर्ड myself, बहुत सारे नर्सेज ने एब्सकॉन्ड किया हॉस्पिटल। डू यू रियली वॉन्ट इस टाइम पे हॉस्पिटल में काम करना, और उसके बाद अगर तुम्हें कोई करोड़ों भी सैलरी देगा, नो वन विल वर्क। Whosoever right now is working, they are seriously angelic person. वो फरिश्तानुमा लोग हैं इस वक्त जो मेडिकल में काम कर रहे हैं।
मैं हकीकत के साथ बोल रहा हूँ, ये कोई मामूली वायरस नहीं है। मेरे टाइम पे 5-6 पेशेंट्स को एट अ टाइम फीवर हुआ था व्हेन आई वाज वर्किंग इन हॉस्पिटल। तो पूरा प्रेशर हॉस्पिटल का हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर बन गया और आपको पता भी नहीं चलेगा। हम भी खुद परेशान थे कि कैसे हुआ। देखो फीवर तो इन्फेक्शन का कॉज मतलब सिम्टम होता है ना, सिम्टम होता है, फीवर एक सिम्टम होता है। तो पेशेंट को फीवर हो गया, दैट मीन्स पेशेंट हैज इन्फेक्शन। 5-6 पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो गया तो सारा फोकस हॉस्पिटल का हमारे ऊपर आ गया। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस इज वायरस, कोई मजाक की चीज़ नहीं है। पता भी नहीं चलेगा कब बॉडी में घुस के खराबी करना स्टार्ट करेगा। और इस वायरस का तो पता ही है, और जब पता चलता है तब तक वो बहुत ज़्यादा खराबी कर चुका होता है। इस वक्त जो हमें प्रोटोकॉल करना है, इस वक्त जो हमें सावधानियां बरतनी है, वो बस यही है कि घर में रहो। जो चाइना ने किया, जो वुहान ने किया, वो लोग अपने कामों पे भी शुरू हो गए। 2 महीने में दे हैव सेटल एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ फिर से नॉर्मलाइज कर दिया। पर ये कर्व जो है, इस वक्त जो ये रेट उनका डाउन इस टाइम पे हो गया, जितने भी पेशेंट्स हैं वो ख़त्म हो गए, मतलब नया कोई केस सामने नहीं आ रहा है, ये उनके सेल्फ आइसोलेशन की वजह से। मैंने खुद एक वीडियो देखा कि उन्होंने बहुत सारे घरों पे सीधे बाहर से वेल्डिंग की ताकि लोग बाहर ना आए। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में भी वेल्डिंग की जाए? क्या आप इतने लापरवाह हैं कि आप कुछ हफ्तों की बात है और आप हजारों लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, साथ ही साथ अपनी जान भी। मैं बहुत तंग आ गया हूँ सच में, मतलब हर दिन मैं देखता हूँ अपने घर के बाहर से इतने लोग आओ जाओ। कुछ लोगों को मैं 2-3 बार देखता हूँ आते जाते हुए। तो कौन सा माइंड सेट लेके ये लोग बाहर आते हैं? मैं अपने घर के दरवाज़ा जो है उसके बाद हमारा दूसरा दरवाज़ा है, अपने घर के दरवाजे के बाहर भी मैं बहुत कम निकलता हूँ। जब मजबूरी हो, मुश्किल से एक बार, अगर कुछ लाना हो बाहर से, कपड़ा है सुखाने के लिए या ऐसा कुछ, तब मैं करता हूँ, वरना नहीं। आई सी पीपल मूविंग अराउंड लाइक 2-4 बार ऐसे ऐसे जा रहे हैं। इनका माइंडसेट क्या है, मतलब क्या सोच रहे हैं ये वायरस के बारे में, इस बीमारी के बारे में इनका इनसाइट क्या है, इनको क्या पता है ये? बस मैं तंग आ गया हूँ अब इससे। बस आज के वीडियो के लिए मैं बस सिर्फ एक चीज मांगूंगा, प्लीज़ घर में रहिए। अगर आप एक बार बाहर जाएंगे तो 1-2 वीक तक का खाना वाना सामान जो है वो ले लीजिए, एंड डोंट कम आउट। देर मे बी पीपल हु आर इन नीड, देर आर लॉट ऑफ NGO दे आर वर्किंग, तो वो अपना काम कर रही हैं। इफ़ यू कैन डू, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वो यही काम है, घर में बैठो। अगर तुम लिटरली कोई NGO के साथ जुड़ना चाहते हो, देन यू कैन गो टू देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।